आज सीखेंगे कुछ एमएस वर्ड के बारे में। एमएस वर्ड पे हम दो चार पॉइंट सीखते हैं। जैसे ये ऊपर वाली पट्टी है, अगर ये गायब करनी है तो कंट्रोल F1 दबाएंगे, कंट्रोल F1, तो ये ऊपर वाली पट्टी गायब हो जाएगी, फिर आ जाएगी कंट्रोल F1। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ बेसिक चीज़ें। जैसे हमने कुछ टाइप किया, ठीक है, अब इसको हमें सेंटर में रखना है, तो ये इस टेक्स्ट इस पे क्लिक कर देंगे, इसको सेलेक्ट करके, या इसके अगल बगल कहीं भी कर्सर हम ले जाते हैं। और अगर कीबोर्ड से करना है तो कंट्रोल E कर दीजिए, कंट्रोल E से जो है बीच में आ जाएगा। ठीक है, कंट्रोल L से जो है इधर आ जाएगा, कंट्रोल R से इधर चला जाएगा। यहाँ से करना चाहे तो इस पर क्लिक कर लीजिए, बीच में करना है तो इस पर कर लीजिए, राइट में करना है इसे कर लीजिए। ठीक है, और इसका क्या मतलब है, जस्टिफाई। जैसे कुछ टेक्स्ट और लेते हैं तब आपको समझ में आएगा, जस्टिफाई मतलब टेक्स्ट बराबर से आता है। जैसे ये है, ये तो अगर हम इसको जस्टिफाई नहीं करते हैं, तो अब देखिए ये यहाँ से आ रहा है, ये लास्ट लाइन यहाँ से है और ये यहाँ से पॉइंट बराबर नहीं है। कंट्रोल जे कर देंगे तो देखिए राइट साइड में बराबर आ रहा है, तो ये जस्टिफाई है। इस पर क्लिक कर देंगे तो बराबर आ जाएगा। इसका शॉर्टकट कंट्रोल जे से बराबर हो जाता है, कंट्रोल ई से बीच में हो जाता है, कंट्रोल एल से जो है बाएं तरफ हो जाता है, कंट्रोल आर से राइट में हो जाता है। ठीक है, तो अब हम सीखेंगे इसका कलर चेंज करना। तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और ये कलर दिया हुआ है, ठीक है, इसमें कोई भी कलर हम ले सकते हैं, यहाँ से रेड ले सकते हैं। और ये जो दिया हुआ है, ये पीछे का जो बैकग्राउंड है, देखिए पीछे का हम ले सकते हैं, और जो टेक्स्ट कलर है वो यहाँ से हम ले सकते हैं, यहाँ से। ठीक है, और इसमें हम क्या चीज़ सीख सकते हैं, इसमें जो है ये जो बी लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर देंगे बोल्ड हो जाएगा। कंट्रोल बी से जो है आप कीबोर्ड से कर सकते हैं अनबोल्ड, कंट्रोल बी से जो है बोल्ड हो जाएगा, और फिर कंट्रोल बी करेंगे तो अनबोल्ड हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो है, जैसे किसी टेक्स्ट को ऊपर ले जाना है, ये जो बटन है इस पर क्लिक करेंगे ये ऊपर हो जाएगा। जैसे एक्स की घात 2 लिखना है तो इस पर पहले इसको हटा देंगे एक्स, और क्लिक करेंगे तो ये पावर बन जाएगा, फिर क्लिक करेंगे हट जाएगा। और इसी तरह नीचे लिखना है, इस पर क्लिक कर देंगे 2 तो X2 नीचे हो जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें थी, दो चार पॉइंट्स थे। इसके अलावा और हम क्या सीख सकते हैं, इसके अलावा इसमें अगर हम दो कालम बनाना चाहें, लेआउट में जाएंगे, कालम में जाएंगे, तो यहाँ पे कालम दिए हुए हैं, ठीक है, 2 कालम 3 कालम। ठीक है, मोर कालम में जाके आप जो है यहाँ पे 10 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 10 हो गया। ठीक है, इसमें 10 कालम हो गए। अब कुछ भी लिखेंगे, एक मिनट, हाँ अब कुछ भी लिखेंगे यहाँ से, तो ये आपका कितने कालम आए थे, हमने 10 कालम आए थे। ठीक है, तो ये 10 कालम इससे आएगा। यहीं से जाके सेलेक्ट करके आप 3 कालम भी कर सकते हैं, तो ये एक पेज को 3 भागों में बांट दिया। ठीक है, अब यहाँ आप चाहें तो कालम में जाके जो है मोर कालम में यहाँ लाइन बिटवीन लगा सकते हैं, तो बीच में लाइन आ गई। ठीक है, तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। अब इसको जो यहाँ पे अगर हिंदी में टाइप करना है तो एक फॉन्ट होता है क्रुति देव, उस पर कर देंगे तो यहाँ से जो है फॉन्ट बदल गया और हिंदी में लिख सकते हैं राम। ठीक है, इंग्लिश में लिखना है फिर फॉन्ट बदल दीजिए, टाइम्स न्यू रोमन लगा दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हाँ, अगर आप इसमें मैथ्स टाइप करना चाहते हैं तो अल्ट प्लस दबा दीजिए। ठीक है, या यहाँ से ना जाना चाहें तो इंसर्ट में जाइए और यहाँ इक्वेशन में जाइए। ठीक है, इक्वेशन में जाएंगे तो आ जाएगा ये इक्वेशन में, सिंबल क्लिक कर रहे थे। अब यहाँ से जो है आप यहाँ से भिन्न लगा सकते हैं, यहाँ से पावर वाली सारी चीज़ें हैं, यहाँ से जो है आप इंटीग्रल लगा सकते हैं। तो इसमें सारी चीज़ें दी हैं, ब्रेकअप ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ये सारी चीज़ें इसमें दिया हुआ है, मैट्रिक्स वगैरह। इधर से ये सिंबल दिए हुए हैं, ये अनंत का सिंबल, बराबर का, डजनाट इक्वल, ये सारे सिंबल दिए हुए हैं, ये सिंबल लगा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में। धन्यवाद।